हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुर्ती की स्टिचिंग बनाना सिखाऊंगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको अपना फैब्रिक लेना है, उसके बाद आपको अपना अस्तर प्लेस करना है और बाद में आपको गले की स्टिचिंग स्टार्ट करना है। आप ध्यान से कीजिए, जैसे आपका जो नीचे का फैब्रिक है वो छूट ना जाए। अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उधर जाकर देख सकते हैं। आपको सिलाई ध्यान से करना है, जैसे सिलाई एज से दूर पड़े। उसके बाद ये कुछ इस तरह होगा। उसके बाद आपको अपना जो कपड़ा है उसे उल्टा करना है और स्टिच करना है। ध्यान रखिए जैसे स्टिचिंग एज में पड़े, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अस्तर है वो दिखाई ना दे। यहाँ हमारा गले की स्टिचिंग हो जाएगा। अब देख सकते हैं मेरा जो अस्तर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही आपको स्टिच करना है दोनों फैब्रिक को भी। अब हम शोल्डर स्टिचिंग के लिए कपड़े को आगे पीछे करके रखेंगे। उसके बाद हम कंधा स्टिच करेंगे। ध्यान से कीजिए जैसे आपका चारों कपड़े मिस ना होए। डबिंग भी आपको करना है। वैसे ही आपको दोनों साइड भी करना है। यहाँ हमारा कंधे की स्टिचिंग हो गया है। कंधे की स्टिचिंग हो जाने के बाद आपको कपड़ा को उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद ये कुछ इस तरह होगा। अब हम स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स के जो नीचे का मोहरे है उसे हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके स्टिच करना है। अगर आपने मेरा स्लीव्स की कटिंग या कुर्ती की कटिंग नहीं देखा है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप देख लीजिए। यहाँ हमारा स्लीव्स की जो स्टिचिंग है वो ख़त्म हो गया। वैसे ही आपको दोनों स्लीव्स भी करना है। यहाँ हमारा दोनों स्लीव्स की स्टिचिंग हो गया है। अब देख सकते हैं ये इस तरह होगा। अब आपको अपना कुर्ती प्लेस करना है। हमने जो आर्म होल कट किया था उसी के ऊपर आपको अपना स्लीव्स रखना है। आपको इस तरह रखना है, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही आपको रखना है। अब आपको ध्यान से स्टिच करना है, जैसे आपका जो तीन कपड़ा है वो छूट ना जाए। आपको ध्यान से गोलाई कर स्टिच करना है।
यहाँ हमारा स्लीव्स की स्टिचिंग हो गया है। वैसे ही आपको दोनों साइड भी करना है। अब देख सकते हैं ये कितना अच्छा से गोलाई हुआ है। वैसे ही आपको दोनों साइड भी करना है। स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह होगा। अब देख सकते हैं दोनों साइड भी कितना अच्छा से मेरा हुआ है। वैसे ही आपको भी करना है। अब आपको साइड स्टिचिंग करना है। आपको हाथ से फोल्ड कर फुल स्लीव्स स्टिच करना है। आपका पूरा जो बॉडी लेंथ है उतना स्टिच करना है। अब हम स्टिच शुरू करेंगे। आपको ध्यान से करना है, जैसे एक जो दोनों इक्वल से होना चाहिए। यहाँ हमें स्टिचिंग शुरू करना है। अब ध्यान से कीजिए, जैसे इक्वल से रहना है। आपको ऐसे ही दोनों साइड भी करना है। आपको अपने चारों कपड़े भी इक्वल से स्टिच करना है। आपको ध्यान से करना है, यहाँ जो फोर कपड़ा है उसे आप मिस ना करें। यहाँ हमारा साइड स्टिचिंग हो गया है। आप देख सकते हैं मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही आपको दोनों साइड भी करना है। मैंने यहाँ सेकेंड साइड भी शुरू कर दिया है, वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट साइड किया था वैसे ही हमें करना है। यहाँ हमारा दोनों साइड भी हो गया है। अब आपको कपड़े को उल्टा करना है और साइड स्टिचिंग करना है नीचे का घेरा के लिए। घेरे के साइड स्टिचिंग आप ध्यान से करना है, दो फोल्ड करके। ऐसे आपको दोनों साइड भी करना है। ध्यान रखिए जैसे आपका कपड़ा छूट ना जाए। आप देख सकते हैं मेरा कपड़ा कितना सुंदर दिख रहा है।